नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से की भेंट, विभिन्न समसामयिक विषयों पर की चर्चा। भू कानून और मूल निवास को लागू करने की मांग, विधानसभा सत्र से पहले उत्तराखंड क्रांति दल के नेता सड़कों पर उतरे, गांधी पार्क के बाहर चलाया हस्ताक्षर। डोईवाला में बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत बीजेपी की बैठक, सरकार के विकास कार्यों को आमजन तक पहुंचाने पर चर्चा, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी से कार्य करने का किया आह्वान। बाकी क्रांतीय राजनीतिक 14 मार्च को करेंगे सचिवालय का घेराव, योगी सरकार की तर्ज पर गन्ना मूल्य बढ़ाने और किसानों को बिजली बिल माफ करने की कर रहे मांग। बद्रीनाथ धाम के 27 अप्रैल को खुलेंगे कपाट, जोशीमठ प्रशासन ने मास्टर प्लान के निर्माण कार्य का लिया जायजा, सड़कों से हटाई जा चुकी है बर्फ। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भेंट की है और इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई है। उत्तराखंड सरकार जल्द ही प्रदेश में परिवार पहचान पत्र को लागू करने जा रही है। इसको लागू करने से प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में सरकार को काफी मदद मिलेगी। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि परिवार पहचान पत्र को लेकर हम बहुत होमवर्क कर चुके हैं। इसके लागू होने के बाद सरकार को इस बात का भी फायदा मिलेगा कि किस तरह से सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र को लेकर के स्टेट काफ़ी होमवर्क कर चुके हैं और अभी NIC को हमने कुछ बेसिक वर्क देने के लिए दिया हुआ है। उसके अलावा हम एक प्राइवेट पार्टनर को भी बिडिंग प्रोसेस के थ्रू लेंगे, उसके लिए बिड डॉक्यूमेंट बनने की तैयारी चल रही है। क्या क्या डेटा हम लोगों को कलेक्ट करना है ये सब मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी उसमें तय हो चुका है, तो बहुत जल्दी हम इसमें करेंगे और 2 साल का हमने इसमें डेडलाइन रखा है। 2 साल के अंदर अंदर बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की जांच अब स्वयं पुलिस करेगी। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट शासन को सौंपी। गढ़वाल आयुक्त ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच की सिफारिश की। अब IG विम्मी सचदेवा को सौंपी गई है जांच। गढ़वाल आयुक्त ने अपनी जांच में पुलिस के हल्के बल प्रयोग को सही माना। जिन 3 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया था उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। वन विभाग ने विभिन्न प्रभागों में फायर वाचरों की तैनाती शुरू की है। वाचर जंगल की आग को बुझाने में मददगार साबित होंगे। बीते 12 घंटे में प्रदेश के भीतर 7 वनाखरी की घटना देखने को मिली। इस बार फायर सीजन शुरू होते ही अब तक 75 घटनाएं वनाखरी की हो चुकी है। वनाखरी की घटनाओं में 31 हेक्टेयर जंगल को नुकसान हुआ। अब तक विभाग को हो चुका है 51,94,000 रुपए का नुकसान। उत्तराखंड में लंबे समय से उत्तराखंड क्रांति दल भू कानून लागू करने सहित मूल निवास को लागू करने की मांग कर रहा है, लिहाजा एक बार फिर गैरसैंण में सत्र शुरू होने से पहले उत्तराखंड क्रांति दल के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। गांधी पार्क के बाहर सभी के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और सीधे तौर पर कहा गया कि आज 23 साल बाद भी प्रदेश को अपना भू कानून नहीं मिल पाया है, जिसके कारण बाहरी लोग आकर यहां पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में हम भी एक बार फिर से गैरसैंण में आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। राज्यानुकारी मंच लगातार अपने प्रदेश के हितों को लेकर लगातार संघर्षरत है, रहा है और रहेगा।
आप ये देखिए कि हमें प्रदेश को बने हुए 23 साल हो गए, हम अपना हिमाचल की तरफ में अपना भू कानून नहीं बना पाए, हम अपना भू कानून नहीं बना पाए। और लगातार जिस प्रकार से हमारी मांग को लेकर प्रदेश सरकार ने एक समिति उप समिति बनाने का जो काम किया था उसका उन्होंने प्रस्ताव भी पास किया, लेकिन वो अभी ऐसा डिस्क्लोज हुआ ही नहीं कि क्या बना है। माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने 2018 में जिस प्रकार से प्रदेश के साथ कुठाराघात करने का काम किया है कि कोई भी आओ और कोई भी खरीदो, कितनी खरीदो और सब कुछ हमारा है, तो पूरा जो है पूरी लुप्त चली जा रही है जमीन हमारी, ना हमारा मूल निवास है। हम लोग जिस उद्देश्य के लिए इस राज्य की परिकल्पना की गई थी, हमारे यहाँ ST OBC से लेकर अल्पसंख्यक से लेकर उसको वो लाभ ही नहीं मिल पा रहा, हमारा मूल पहाड़ी है उसको लाभ नहीं मिल पा रहा। सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को आम जन तक पहुंचाने के लिए बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत डोईवाला विधानसभा में बैठक आयोजन किया गया। बैठक में उत्तराखंड राज्य की प्रभारी रेखा वर्मा, हरिद्वार सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल, निशंक डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गोरेला और भाजपा के संगठन प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारे के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी से कार्य करने का आह्वान किया और टीम भावना से काम करने के लिए प्रेरित किया। बूथ पर बूथ संयोजक है, बूथ से भी नीचे पन्ना प्रमुख और पन्ना कमेटी बनाएंगे। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका अंतिम छोर तक का जो नेटवर्क है पूरी दुनिया में ऐसी कोई पार्टी दूर दूर तक भी नहीं हो सकती है। और इसीलिए आपने देखा पूरे देश के अंदर हर कोने पर, पूर्वोत्तर राज्यों में पूरी एक तरफा बीजेपी आ रही है, उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पूर्व हो चाहे पश्चिम हो, पूरे प्रदेश भर में बूथ सशक्तिकरण अभियान चल रहा है। और इसमें हमारे प्रदेश के जो पूरे बूथों पर शक्ति केंद्र संयोजक बूथ के संयोजक अब बनने हैं और माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण चर्चा कार्यक्रम हर शक्ति केंद्र पर होना है, इसको लेकर ये विधानसभा लेवल पर एक पूरी बैठक आयोजित की गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में अभी चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और आगामी चुनाव लोकसभा का चुनाव और नगरपालिका का चुनाव होना है, इसलिए जहां तक दूसरे दलों के नेताओं ने अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथ निर्माण तक कार्यकर्ताओं के लिए कमर कसनी शुरू। उत्तराखंड सरकार लगातार राजस्व बढ़ाने को अलग अलग हथकंडे अपना रही है, वहीं वित्त मंत्री की ओर से भी बिल लाओ इनाम पाओ योजना चलाई गई है जिसके माध्यम से ग्राहकों को जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं GST अधिकारी IAS ब्रजवाल ने बताया कि इस योजना के माध्यम से ग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है कि अधिक से अधिक बिल ले, क्योंकि यदि ग्राहक बिल लेता है तो व्यापारी या दुकानदार GST की चोरी नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे बिल भी सामने आए हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना भी निश्चित है। टैक्स से ही आप देखते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, टैक्स की वजह से बनी है, सब कुछ ही हुई है। आप हर जगह सुनते हैं कि यार ये हम तो ये गवर्नमेंट का टैक्स है, इसका मिसयूज हो रहा है, ये भी कहा जाता है इन जनरल, आपने जनरल सुना होगा। तो मेन उद्देश्य ये है कि तीसरे लोगों को जागरूक करें, जागरूक करके बिल लें, बिल लेंगे तो सरकार को टैक्स भी मिलेगा और जो है लोग जो है यूज टू हो जाएंगे बिल लेने के लिए, और हमारे जो दूसरे काउंटर पार्ट हैं व्यापारी वर्ग वो भी जो है उनकी जो आदत भी जो है बिल जारी करने की हो जाएगी। भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने लक्सर में एक बैठक कर आगामी 14 मार्च को सचिवालय घेराव करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान की उत्तराखंड सरकार में किसानों की अनदेखी हुई है। लंबे समय से प्रदेश का किसान गन्ना मूल्य बढ़ाने की लगातार सरकार से मांग कर रहा था, जिसकी प्रदेश की सरकार ने सुध तक नहीं ली। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भी योगी सरकार ने हाल ही में किसानों का ध्यान रखते हुए किसानों के बिजली के बिल को माफ कर दिया, साथ ही फ्री बिजली देने की घोषणा भी की है, जिसका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि देहरादून में 14 मार्च को वो वर्तमान सरकार का घेराव करेंगे, उनका सत्र नहीं चलने देंगे। भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक ने अपने राष्ट्राध्यक्ष ने अपनी कोर कमेटी से सलाह मशवरा कर हम 14 तारीख को 14 तारीख को देहरादून में वर्तमान सरकार का घेराव करेंगे और उनका सत्र नहीं चलने देंगे। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी वहां पर मौजूद होगा और
उस सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने का काम भारतीय किसान यूनियन का प्रत्येक पदाधिकारी प्रत्येक कार्यकर्ता 14 तारीख में करेगा। हमारा जो उत्तर प्रदेश है पड़ोसी राज्य, उसमें बिजली का बिल माफ कर दिया और कनेक्शन फ्री कर दिए बिजली के किसानों के लिए। दूसरा, कर्ज माफी हुई। यहाँ धामी सरकार ने कुछ भी किसानों के लिए अब तक नहीं किया, और अगर ये नहीं करते कुछ भी हमारे लिए तो हम 14 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे, और जब तक हमें वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा चाहे हमें अपने आहुति भी देनी पड़ जाए वहाँ, हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक हमें वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल हम अपने किसी भी कार्य से पीछे नहीं हटेंगे। किसानों की हमारी मांगे 5 सूत्रीय हम आपको देंगे, इसे इन मांगों पर अड़ित रहेंगे, चाहे हमारे ऊपर मुकदमे लग जाए, हमें जेल में डाल दे, चाहे सरकार कुछ भी कर ले, हम देहरादून से बिना कुछ लिए वापस नहीं आएंगे। होली के दिन से लापता युवक की तलाश कर कर के जब परिजन बेहाल हो गए तो परिजनों ने भीम आर्मी के प्रदेशाध्यक्ष महक सिंह से गुहार लगाई, जिसके बाद प्रदेशाध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ लापता युवक की परिजनों के साथ सिविल लाइन कोतवाली पहुंची। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही मामले की जांच करवाई जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष महक सिंह ने बताया कि होली के पर्व पर शेखपुरी रुड़की के रहने वाले कुछ युवक गंग नहर किनारे मौज मस्ती करते हुए शराब पी रहे थे, जिसमें रजत नामक युवक उसी दिन से लापता हो गया था। दिन का है, 4-5 दोस्त जो है आपस में एंजॉय कर रहे थे, शराब पी रहे थे यहाँ पार्क में बैठकर, क्योंकि होली का दिन था। एक रजत नाम का साथी है जो शेखपुरी का रहने वाला है, उस दिन से मिसिंग है, और उन लड़कों से अब तक पुलिस के द्वारा कोई सख्ताई से पूछताछ नहीं की गई है, क्योंकि उनके बीच से लड़का गायब हुआ है, मिसिंग हुआ है। उनके अलग अलग बयान है, कोई कुछ बयान देता है, कोई कुछ देता है। उनका कहना यह है कि वो नहाने के लिए अंदर जो है नहर में गया और उसके बाद वापस नहीं आया। अब तक जो है लगभग 4 दिन हो चुके हैं, अब तक ना तो कोई डेड बॉडी मिली है, ना पुलिस के द्वारा कोई गोताखोर लगाकर ना कोई तलाश किया गया। कांग्रेस युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद विकास नेगी युवाओं को जागरूक करने के लिए पहली बार कोटद्वार पहुंचे। कोटद्वार पहुंचकर युवाओं को 13 तारीख को विधानसभा के घेराव में भाग लेने की बात कही। इस दौरान पत्रकारों से प्रेस वार्ता की और कहा कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता युवाओं को अपने साथ जोड़े और भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करे, और कहा कि प्रदेश का युवा रोजगार मांग रहा है और राज्य सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है। सरकार युवाओं को डरा धमकाकर इस आंदोलन से दूर करना चाहती है, लेकिन अब युवा जाग गया है और युवा इसका बदला 2024 के चुनाव में लेगा। वह जो कोटद्वार का जो युवा है उसे जागरूक करना कि आप लोग जागरूक हों और 13 तारीख को जो हमारा विधानसभा घेराव है उसमें हम भाग लें, और जो एक सीबीआई जांच है हमारी, एनएसयूआई जो मांग कर रही है कि प्रदेश में एक सीबीआई जांच होनी है परीक्षाओं की, उसको लेके कि हम एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से एक निवेदन करने आए हैं कि आप अपने साथ जो युवा हैं उन्हें जोड़ें और इसकी मांग करें कि भाई सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। देखिए, युवाओं को लगा कि भाई हमें इस चीज़ के लिए हमें सड़क पर निकलना पड़ेगा, इसलिए वो 9 फरवरी को देहरादून के गांधी पार्क में बैठा था, जिसे सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा लाठी डंडों से पीटा गया, उन पर 307 जैसी संगीन धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। मगर सरकार छात्रों को डरा धमका के उनको इस आंदोलन से दूर करना चाहती है। देखिए, 2024 का जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा उत्तराखंड में, वो बेरोजगारी होगा। आप उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को युवा एक 2024 में सबक सिखाने को तैयार हैं। खबरें भी लगातार जारी है, जल्दी लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के ग्राम भकूना के सेरा गोलियों मंदिर में भारत स्वच्छता अभियान के तहत जीवन ज्योति ग्राम संगठन भकूना स्वयं सहायता समूह 14 ग्राम संगठन समूह की महिलाओं ने मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया। साथ सेरा गोलियों मंदिर के आसपास उग रही झाड़ियों को काटान कर मंदिर के जाने वाले रास्ते की झाड़ियों को काट कर इधर उधर फैले कूड़े का निस्तारण कर सफाई अभियान को सफल बनाया। साथ ही ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। जसपुर में आज जीएसटी की टीम ने एक बार फिर शहर में कई जगह छापेमारी की है। छापेमारी से क्षेत्र के व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई है। आपको बताते चले कि कुछ दिन पूर्व जसपुर शहर में टैक्स चोरी को लेकर जीएसटी की टीम ने शहर में कई प्रतिष्ठानों और व्यापारियों पर अलग अलग टीम बनाकर एक साथ छापेमारी की थी। वहीं जीएसटी विभाग अधिकारियों ने बताया कि जसपुर में टैक्स चोरी का बहुत बड़ा घोटाला है। और मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि किसी से भी कोई भी हो, ना तो अपना पैन कार्ड शेयर करें, ना अपना वोटर आईडी कार्ड शेयर करें, ना अपना आधार कार्ड शेयर करें, ना अपना फ़ोन नंबर शेयर करें। अगर कोई आपसे मांगता है, किसी बैंक के उससे मांगता है, तो आप खुद जाके पूछें कि ये ऐसा कोई स्कीम है क्या। ये हमारी कमजोरी का नतीजा है कि कोई हमसे पूछता है और हमसे मांग लेते हैं और हमसे दे देते हैं। और आज 300 भर में ही कि आप ही लोगों के बीच में हैं, महिलाओं की, बच्चों की, बूढ़ों की, जो उठ नहीं पा रहे हैं। तो यह अगर हम लोग जागरूक होंगे तो इस तरह के लोग पैदा नहीं होंगे। दूसरा एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने हमारा सहयोग किया, उस तरह से आप इनका सामाजिक बहिष्कार करो। ये सबसे ये कानून तो बाद में आता है साहब, आदमी सबसे ज़्यादा समाज से डरता है। अब आपके सामने नजरें नहीं मिला पाएंगे ये लोग। तो वहीं चारधाम यात्रियों में अब यात्रियों को दर्शन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। एक एक घंटे के स्लॉट पर टोकन दिए जाएंगे, 4 घंटे के लिए मान्य होंगे। चारों धामों में मंदिरों के प्रवेश द्वार पर किए जाएंगे टोकन। यात्रा मार्ग पर 6 स्थानों पर वाईफाई लगेंगे। पर्यटन विकास परिषद की ओर से उत्तरकाशी, बड़कोट, दोबटा, हिना, गंगोत्री, सोनप्रयाग और पांडुकेश्वर में पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं। श्री यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने शनिवार को स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान यमुनोत्री विधायक संजय डोबाल भी उपस्थित रहे। अप्रैल माह से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा में पिछले साल की अपेक्षा इस साल अधिक तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किए जाने को लेकर जिलाधिकारी ने सभी गतिमान कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश और संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि यमुनोत्री धाम में काफी कुछ कार्य किए गए हैं, जो कार्य शेष हैं उनको समय पर पूरा करने के निर्देश संबंधित विभाग को दे दिए गए हैं। जिला प्रशासन उत्तरकाशी और समस्त रेखीय विभागों के साथ यमुनोत्री धाम का मौका निरीक्षण किया गया है और इस दौरान जानकी चक्की पर बड़कोट से आने वाले रास्ते में बीच में जितने पड़ाव है वहाँ पर और पैदल मार्ग में और मंदिर प्रांगण में जो कार्य चल रहे हैं या प्रस्तावित हैं उनका निरीक्षण किया गया और सब संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्य।
टनकपुर क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेले माता पूर्णागिरी धाम मेले का शुभारंभ हो चुका है। टनकपुर के सुप्रसिद्ध शारदा घाट पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में माता के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए टनकपुर नगर पालिका प्रशासन ने टनकपुर शारदा घाट पर नगर पालिका परिषद की ओर से माँ पूर्णागिरी कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया। टनकपुर नगर पालिका के अध्यक्ष एडवोकेट विपिन वर्मा ने पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया। उद्देश्य ये है कि नगर पालिका जो मेले से संबंधित व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ से नगर पालिका के द्वारा संचालित की जाएगी और बेहतर यात्रियों को सुविधा, साफ सफाई आदि का प्रबंध और एक यहाँ पर हम माइक भी लगा रहे हैं खोया पाया के लिए, तो इस तरह की सब चीज़ों की व्यवस्थाएं यहाँ से संचालित हो सके इसके लिए बोर्ड ने ये निर्णय लिया कि मेला क्षेत्र में ही एक मेले के कैंप पालिका का कैंप कार्यालय बनाया जाए जिसमें निरंतर कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी जो यात्रियों के संपर्क बनाएंगे और नगर पालिका से संबंधित जो भी सेवा और सुविधा यात्रियों के लिए प्रत्यायोजित की जाती है वो सब उनको उपलब्ध कराई है। जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने शुक्रवार को बिड़ला पुल से वाल्मीकि चौक तक का रोड चौड़ीकरण की दृष्टि से निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने इस मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी पहलुओं पर विचार करते हुए बिड़ला पुल से लेकर वाल्मीकि चौक तक के रोड चौड़ीकरण की डिजाइन तैयार करना सुनिश्चित करें। विनय शंकर पांडे ने पूर्व में दिए निर्देश के क्रम में बिड़ला पुल के दोनों और विकसित हो रहे पार्कों का भी जायजा लिया और बताया कि इनका निर्माण एक सप्ताह में हो जाएगा। चौड़ीकरण वाला तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इसको डिज़ाइन बनाने के लिए कहा है। मुख्य रूप से जो दलतारा पुल पर आपने देखा होगा कि यहाँ काफ़ी वाहनों की पार्किंग होती वगैरह वो आम फ्रेश पार्किंग इसको रिमूव कर दिया गया है और यहाँ पर एक अच्छा खूबसूरत दो पार्क डेवलप किए जा रहे हैं और टाइम काम अपने समय के हिसाब से चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि एक सप्ताह के अंदर ये काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद हम लोगों का मेन फोकस रहेगा इस सड़क का चौड़ीकरण, उसके लिए आज पूरी टीम आई हुई है और इनको हमने भी निर्देश दे दिए हैं कि इसका पूरा डिज़ाइन तैयार करें और इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं इसको पूरे एनालिसिस करने के बाद हम लोग इसको आगे चेकअप करेंगे। देहरादून में सड़क किनारे स्थित शराब की दुकानों के आगे बेतरतीब वाहन लग रहे हैं और इससे जाम की स्थिति बनती रहती है। शराब लेने वाले अपने वाहनों को सड़क पर खड़ा कर देते हैं जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। आए दिन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लेकिन अब एसपी ट्रैफिक ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है और साथ ही स्थानीय समाधान की अपील की है। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि ऐसे 15 ठेके चिन्हित किए गए हैं जिनको हटाने को लेकर डीएम को पत्र लिखा गया है। मार्ग पर या जंक्शन पे खुलते हैं, यहाँ किसी को भी कोई खरीदारी करनी हो एक वाहन भी पार्क नहीं किया जा सकता, तो अल्टीमेटली वही हो रहा है कि लोग रोड पे गाड़ियाँ लगा के जो पीक आवर है हमारा शाम का 6 बजे से 8 बजे का उसमें बहुत भीड़ भाड़ होती है और ये सब चौक हो जाते हैं, बोटल नेक हो जाती है। तो इसी के तहत जब ये अब मार्च एंड है तो नए जो लाइसेंस मिलेंगे उसमें हमने एक पत्राचार किया गया है कि जो भी लाइसेंस रिन्यू होगा वो इन जगह पे ना हो, मुख्य मार्गों से कई 100, 200, 500 मीटर अंदर में ही इन ठेकों को जगह दी जाए और जब भी कोई खरीदारी करने आता है तो कुछ पार्किंग के प्रावधान भी हो। इसी के तहत एक और नया लेटर भी हमारे द्वारा भेजा जा रहा है जिसमें पूरे शहर के मुख्य मार्गों की लिस्ट आउट कर रहे हैं हम लोग। इसमें इन मार्गों पर भविष्य में कभी भी ठेकों को परमिशन ना दी जाए, साथ ही ये भी निवेदन कर रहा है कि कोई भी ठेके का अगर परमिशन हो तो ट्रैफिक संबंधी क्लियरेंस हो, चाहे वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से एनओसी हो या किसी अन्य डिपार्टमेंट द्वारा उसको क्लियरेंस पीडब्ल्यूडी हो, क्लियरेंस दिया जाए कि क्या वो वहां पे चल सकता है, ट्रैफिक में कोई बाधा उत्पन्न कर सकता है क्या। देहरादून में खराब स्ट्रीट लाइट्स के चलते नगर निगम द्वारा कुछ वक्त पहले ईसीएल कंपनी पर कार्रवाई की बात कही थी। बता दें कि ईसीएल कंपनी के पास शहर के तमाम स्ट्रीट लाइट्स को सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा नगर निगम ने दिया था। वहीं कुछ शिकायतें ऐसे निकलकर सामने आ रही थी जिसमें कंपनी ने नगर निगम से समय पर भुगतान तो ले लिया है लेकिन स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का काम सुचारू रूप से नहीं किया गया, जिसके बाद निगम ने ईसीएल कंपनी को नोटिस भी जारी किया था। वहीं ठीक तरीके से काम न करने के चलते निगम ने ईसीएल के सभी बकाया भुगतानों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कंपनी के ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि फिलहाल कंपनी द्वारा निगम को सामंजस्य बैठाकर और अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर ठीक तरीके से काम करने का आश्वासन दिया गया है। ईसीएल कंपनी पे हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है और उनके जो बिल्स है उनको रोक भी लिया गया है, साथ ही साथ पेनल्टी भी इम्पोज कर दी गई है।
और इसके अतिरिक्त उनके द्वारा आपसी कोऑर्डिनेशन बैठकों के पश्चात टीम्स बढ़ाने का एक हमको आश्वासन दिया गया है, जिसके क्रम में जल्दी वो लोग रिपेयरिंग की टीम्स बढ़ाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो नगर निगम ESL के रिस्क और कॉस्ट पे अतिरिक्त टीमें लगाने की कार्रवाई भी करेगी। राजधानी देहरादून में स्वरांजलि ग्रुप द्वारा एक ओल्ड इज गोल्ड नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य आयोजक संदीप गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वह एक संगीत प्रेमी हैं और किशोर कुमार के जबरदस्त फैन हैं और उनके ही अपना गुरु मानते हैं। पिछले 10 वर्षों से स्वरांजलि ग्रुप इस तरह का आयोजन करता आ रहा है, जिसको जनता खूब सराहती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत होंगे और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से पुरानी फिल्मों को, पुराने गानों को और पुरानी संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं, उनको इसके माध्यम से याद दिलाना है। यही है साहब कि इसको जो संगीत जो हमारा थोड़ा सा पीछे होता है, जो धूम धड़ाम जो अब आज की तारीख में आता है, मेरे को नहीं लगता कि आपको पिछले 2 साल में जो भी एक सुपर हिट मूवी थी जिसने 500 करोड़ 400 करोड़ का बिजनेस किया हो, उसका कोई गाना आपको याद होगा। आपसे अगर पूछा जाए कि अमर प्रेम का कोई गाना आप बता दीजिए, तो चिंगारी कोई भड़के जैसा गीत आपको आज भी आपके जहन में होगा। आपकी कसम का कोई गीत बता दीजिए तो उसका गीत आप बता पाएंगे। और मैं समझता हूँ सुल्तान फिल्म का आपसे मैं पूछ लूँ कि कौन सा गाना हिट था साहब, उसने तो इतना बड़ा व्यापार करा, आपको शायद याद भी नहीं होगा। तो उस समय की जो भी चीज़ें हैं, बस उनको ही समाज को आगे उसको जागृत करना और उसको फैलाना, यही हमारा उद्देश्य है। चंदा को ढूंढ ले सभी तारे निकल पड़े, चंदा को ढूंढ ले सभी तारे। और इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.